किशनगंज भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने षड्यंत्र पूर्वक लगाई गई धारा 3 को हटाने व मारपीट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर किशनगंज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। नाहरगढ़ कस्बे में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ऋषिपाल सिंह के साथ नाहरगढ़ गांव के कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट में गंभीर चोटें लगने के बाद भी उल्टा धारा में मुकदमा दर्ज करने से भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। किशनगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हाड़ा ने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण नाहरगढ़ पुलिस द्वारा मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुधवार को किशनगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हाड़ा पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्तू धाकड़ के नेतृत्व में किशनगंज उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों व मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की गई। 3 दिन पहले जो घटना घटी थी वहाँ सरकारी भूमि में कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे, वहाँ हमारे कार्यकर्ता ऋषिपाल सिंह वहाँ गया, उन्होंने मना करी, उन पर 5-7 लोगों ने जाके मारपीट की और मारपीट करने के बाद में जो थाना मुकदमा दर्ज करने गए थाने नाहरगढ़ में उन पर ही उल्टा धारा 3 का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई ना करें कि आपके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, गलत काम होते तरफ होते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि उसमें जो धारा 3 लगाई गई है उसको हटाया जाए, विपक्ष जाँच हो और जो अपराधी उनको गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी नहीं होने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी 3 दिन के अंदर धारा 3 हटे, नहीं तो जिला अपने हेडक्वार्टर पर किशनगंज हेडक्वार्टर पर यहाँ पर 3 दिन बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम? भानु प्रताप सिंह हाड़ा, भाजपा मंडलाध्यक्ष किशनगंज।